अगर आपके बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, उसका दिमाग वो इधर उधर भटकता है, तो अपने बच्चे से एक उपाय ज़रूर करवाएं। अपने बच्चे को रोज़ सूर्य को जल देना सिखाएं, गायत्री मंत्र का उसे जाप सिखाएं। इतना भी नहीं तो रोज़ उससे कहें स्कूल जाने से पहले जो है सूर्य देव की तरफ मुंह करके थोड़ी देर हाथ जोड़ के खड़ा रहे। ये भी पॉसिबल नहीं है तो स्कूल जाता है तो जहाँ पर भी उसे सूर्य दिखे वहाँ पे 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए सूर्य देव को प्रणाम करें। देखिए आपके बच्चे का धीरे धीरे पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाएगा। बच्चा प्रखर हो जाए पढ़ने में, उसमें ज्ञान और विवेक की उत्पत्ति हो। हर माता पिता की यही वो होती है कि बच्चा मेरा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बने, बहुत कमाए, बहुत नाम करे, उसमें बहुत सन्मति रहे। तो उसके लिए बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे का आपका ज्ञान मजबूत हो, बृहस्पति मजबूत हो, तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप अपने बच्चे को केले के पेड़ में रोज जल चढ़वाना शुरू करें। उसके हाथ से बरगद का पेड़ लगवाएं कहीं ना कहीं। उस घर में आप चाहें तो पारस पीपल का एक पेड़, जिसे इंडियन ट्यूलिप कहते हैं, वो आप एक गमले में लगा सकते हैं और बच्चे को उसमें पानी दिलवाएं, डेली जल चढ़वाएं। ये समझ के भगवान विष्णु हैं। आप आंवले का पेड़ भी गमले में लगा सकते हैं और उसमें भी आप उसकी डेली शाम को एक बत्ती या दिया वहाँ पर लगा सकते हैं। ये कार्य आप करें और देखिए आपके बच्चे का मन कितना पढ़ने में लगेगा। बच्चा पढ़ने में ज़्यादा मन लगाए, बच्चे की बुद्धि प्रखर हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, आप एज आ माता पिता अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए। अपने बच्चे को गार्डनिंग करने के लिए इनकरेज करिए, उससे कहिए कि जो है अपने पेड़ों में डेली पानी डाला करें, थोड़ी देर नेचर के बीच में रहे और जहाँ तक हो सके वृक्षारोपण उससे ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। फिर देखिए आपका बच्चा कैसे धीरे धीरे जो है बुद्धि से प्रखर होता जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आपके बच्चे का पढ़ने में मन ज़्यादा लगे तो कुछ बृहस्पति के भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि ग्रह दशाओं का बच्चे की पढ़ाई पे बहुत असर करता है। अगर बच्चे की शनि की 7.5 चल रही है, उसकी राहु की महादशा चल रही है, उसका बृहस्पति नीच का है, उसका बुध नीच का है, कमज़ोर है, उसका मन कमज़ोर है, उसका चंद्रमा कमज़ोर है, तो हो सकता है कि उसके कुंडली में ग्रहण का दोष है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर निकल जाए, उसका मन पढ़ने में ना लगे, वो गलत रास्ते पे जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे की कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए और देखिए उसके क्या ग्रहों का में क्या कमियां हैं और उसके हिसाब से आप उससे दान करवाइए, सत्कर्म कराइए, तो आपके बच्चे के ग्रह ज़रूर सुधरेंगे। राहु की दशा चल रही है जिसकी वजह से आपका बच्चा चढ़ रहा है, तो अपने बच्चे को आप जो है चींटी को दाना डलवाएं, चींटी एक वो लें, आटा लें या सूजी लें, उसको थोड़ा सा भून लें देसी घी में, उसमें थोड़ा खड़ी चीनी डालें और उसको भर के रख लें। डेली अपने बच्चे से कहीं पे भी जहाँ चींटी की बिल हो, किसी पेड़ के नीचे, पेड़ से थोड़ा दूर पे, बहुत पेड़ के नीचे नहीं डालना चाहिए क्योंकि पेड़ जो होते हैं उससे धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, तो वहाँ पे आप ये दाना डलवा सकते हैं ओम हनुमंते नमः का जाप करके, या जिस देवता की आप पूजा करते हैं किसी एक मंत्र का जाप करके आप अगर डलवाते हैं तो। और उस समय अपने बच्चे से कहिए कि पूरी सृष्टि के उपकार की कामना करें, तो आपके बच्चे के ग्रह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे के पढ़ने की जगह फिक्स करें, बच्चे के पढ़ाई का टाइम फिक्स करें। बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है और पढ़ने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, उस समय मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो डैट टाइम अगर फिक्स होगा, बच्चे का एक टाइम टेबल फिक्स होगा, तो आपको बार बार बच्चे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो। नंबर 3, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे के हाथ से कभी कभी, जैसे आज वसंत पंचमी है, आज के दिन, हर बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी दिन, ज़रूरतमंद गरीब बच्चों को या ऑर्फेनेज में, अनाथ आश्रम में ले, उसके हाथ से आप किताब, कॉपी और पेंसिल, रबर, पढ़ाई की जो भी चीज़ें होती हैं वो आप डोनेट कराते रहें। बच्चे के को जो है दान करने की आदत डालवाएं,
बच्चे को आप ये कहें कि किसी भी छोटे बच्चे को आप पढ़ाइए, विद्यादान महादान होता है। किसी बच्चे की अगर आप समर्थ हैं तो किसी छोटे बच्चे की पढ़ाई की आप व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये उपाय आपके बच्चे का बृहस्पत बहुत स्ट्रांग करेंगे, आपके बच्चे के जीवन में आने वाली पढ़ाई में जो बाधाएं हैं उसको कम करने में मदद करेंगे। बच्चे के हाथ से पौधे भी लगवाएं, ये पौधे लगाना बच्चे को बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के बीच में ले जाएं, ये चीज़ें आपके बच्चे का बुद्धि और विवेक ज्ञान को स्ट्रॉन्ग करेगी। बच्चा जहाँ पढ़ने बैठता है उस जगह को देखें, उसकी को क्लटर फ्री बनाएं, उसका टेबल साफ सुथरा होना चाहिए, हो सके तो पीला मेजपोश बिछाएं, ये कार्य आप करें तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर रहा है, जीवन में परिवर्तन उसके आना शुरू हो जाएगा। और अधिक वास्तु के नियम क्या हैं, आपके बच्चा ज़्यादा मन लगा के पढ़े उसके लिए आप फेंग शुई क्या कहती है, वास्तु क्या कहता है, उसके लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें, इस पर मैं ज़रूर बनाऊंगी। और आपके बच्चे के एज़ पर एस्ट्रोलॉजी आप क्या ऐसा उपाय करें कि जिससे आपका बच्चा पढ़ने में मन लगाने लगे, और आपके भी ऐसे हो सकता है कुछ ग्रह हों जिसकी वजह से आपका बच्चा सही मार्ग पे नहीं जा रहा है। माँ बाप की कुंडली का, माँ बाप के कर्मों का भी बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। तो माँ बाप क्या करें जिससे कि उनका बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़े, उनके क्या सत्कर्म होने चाहिए कि आपका बच्चा सन्मार्ग पे चले, उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, आप ज़रूर देखें। माँ बाप के ग्रह बच्चे पे कैसे असर डालते हैं, उसके लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए अपने ग्रहों को सुधारने के लिए, उसका भी एक वीडियो है, आप ज़रूर देखें। बच्चों के ग्रहों को कैसे सुधारें जिससे कि उनका मन पढ़ने में लगे, उसको भी आप देखिए। नमः शिवाय।